नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो मेगा फैक्ट। और आज की जो न्यूज़ मैं देने जा रहा हूँ, जो इसरो ने रात में ट्वीट किया है, मैं वो बताने जा रहा हूँ आपको। और आप मेरे चैनल को इससे पहले कि सब्सक्राइब कर दें, नीचे लाल रंग का जो बटन है उसको दबा करके ग्रे कर दें और नोटिफिकेशन दबा दें, ताकि आने वाली लेटेस्ट फैक्चुअल न्यूज़ जितनी भी है आप तक पहुंच सके सबसे तेज़ सबसे पहले। तो मैं आपको बता दूं कि चांद पे भारत का जो विक्रम लैंडर है उससे संपर्क हुआ या नहीं हुआ, ये सारी जानकारी, और क्या इसरो ने ट्वीट करके रात में हमें बताया या क्या नासा ने जानकारियाँ दी हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि इसरो ने ये ट्वीट किया है कि हमारे साथ खड़े रहने के लिए धन्यवाद, हम आगे बढ़ते रहेंगे दुनिया भर के भारतीयों की उम्मीदें और सपनों से प्रेरणा लेते हुए। दूसरी तरफ इसरो ने एक तस्वीर साझा की है जिसमें कि एक आदमी एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन को डाक रहा है, लेकिन वो दूसरे माउंटेन पे पहुंचा नहीं है, वो बीच में ही रुका हुआ है। अब इन तस्वीरों से हम क्या मतलब लगाएं, क्या नासा ने कोई अपडेट निकाल करके इसरो को दी है या नहीं दी है, क्योंकि उम्मीद थी कि नासा कोई अपडेट देगा, पर रात को कोई भी अपडेट आई नहीं थी। फिर रात में ही इसरो ने ट्वीट किया था, और ये ट्वीट अभी करने क्यों किया इसरो ने, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्योंकि अभी भी 2 दिन शेष बचे हैं। हम सब जानते हैं कि चांद पे शाम होने लगी है, बहुत जल्द ही रात हो जाएगी, और 14 दिन तो अभी बीते भी नहीं हैं, और किस तरीके से क्या अपडेट है, बहुत जल्द आऊँगा और आपको बताऊँगा अगर कोई भी अपडेट आती है। लेकिन फ़िलहाल के लिए हमारा जो लैंडर है वो शायद बेजान पड़ा हुआ है, संपर्क अभी हुआ नहीं है। शायद अब हम ये कह सकते हैं कि संपर्क की सभी कोशिश नाकाम हो रही है। उम्मीदें थी कि नासा ऑर्बिटर से चांद के साउथ पोल से गुजरेगा जहाँ विक्रम लैंडर है, उम्मीद थी कि नासा कोई अपडेट देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। और क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी ने भी अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया है, तो उम्मीद करेंगे ऑफिशियल अनाउंसमेंट का। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।